आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता हूँ। इसमें आज मैं सिखाऊंगा कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, यानी कि आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिन्हें आपको नहीं पढ़ना है, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ, यानी कि आप टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। जो घंटे पूरे कर रहे हैं, यानी कि आपको उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम इसी टॉपिक पर पूरा बात करेंगे, और हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, क्योंकि हमारा एक मंथ कंप्लीट हो चुका है जो हम लोग अपना प्रोग्राम चला रहे थे। अब उसमें हमारा ये सेकंड मंथ अब स्टार्ट हो गया। ओके, तो बताता हूँ इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो नंबर एक हम लोग कवर करेंगे इसमें कि हमारी सेकेंड मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो फर्स्ट मंथ है वो कम्प्लीट हो गया है, अब सेकेंड मंथ में हम लोग कैसे कैसे कवर करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम हर मंथ में एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। ओके, तो इसमें देखिए आपका वर्क है थोड़ा बढ़ जाएगा। और सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री। यानी कि हर सब्जेक्ट होता है उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे ज्योग्राफी का आपने देखा था, जिन लोगों ने अभी ज्योग्राफी कवर कर ली उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। तो हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है, इसका तरीका कैसे होगा वो भी हम देखेंगे। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि जो न्यू स्टूडेंट हैं वो अब ज्वाइन हो रहे हैं ग्रुप से, तो उनके पास में बहुत सारे डाउट्स हैं, वो इस ग्रुप से कैसे जुड़े, उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो लोग कन्फ्यूज़ हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो ये भी डाउट मैं सारे क्लियर कर दूंगा। और इसमें मैंने एक लिखा नहीं है, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि एक अभी स्टूडेंट ने पूछा था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे कैसे प्रिपेयर करें, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में कवर करूँगा। ओके, तो इन चार चीज़ों को मैं कवर करने जा रहा हूँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो टास्क ऑफ द मंथ है मैंने दे दिया है, इसको क्या करना है। मैंने देखिए एक मंथ का जो प्लान है इसमें हम हिस्ट्री को आपको कैसे पढ़ना है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो टास्क नंबर 8 से स्टार्ट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से लेकर के 7 जो सितंबर है इसमें आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, जो पूरी एनसीईआरटी उसे कवर करना है 2 दिनों के अंदर। और इसमें देखिए मैंने यहाँ पर पेजेस भी लिख दिए हैं, लगभग में 122 पेजेस हैं, यानी कि आप लगभग में 50 से 60 पेज अगर डेली पढ़ेंगे तो आप इसे आराम से कवर कर लेंगे। तो इस टास्क को कम्प्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, डेली लगभग में 50 पेजेस को पढ़ना है। ओके, इस हैबिट को बना के रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसको आप क्या करिए, एक नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ओके, जैसे कि क्योंकि इसे नोट करना ज़रूरी इसलिए है, अब देखिए जैसे जैसे टास्क आगे पढ़ेंगे तो मैं आपसे बोला करूँगा कि टास्क नंबर 1 का जो आपको आज रिवीजन करना है, तो आपको पता नहीं होगा कि टास्क नंबर 1 में क्या है, तो आप रिवीजन कैसे करेंगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ओके, तो इससे आप नोट कर लीजिए पूरा। इसी तरह जो लास्ट मंथ का था उसे भी एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखिए एक और प्रॉफिट है, इसमें क्या, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी कितने दिन में आपको पढ़नी है। ओके, जैसे जो छोटी एनसीईआरटी है मैंने उसे कम दिन दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो बड़ी एनसीईआरटी है मैंने उसको ज़्यादा दिन दिए हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सेकेंड मंथ की स्ट्रेटजी है वो क्या है, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया, क्योंकि जो मैंने पहले आपको कम टास्क देता था अब आपको कुछ ज़्यादा टास्क मिला करेगा। इसी तरह जब आप 4 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टास्क मिला करेगा, अभी मैं आपको हैवी टास्क नहीं देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से चलेगा। अभी देखिए आपको यहाँ पर जो एनसीईआरटी हैं, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है 6th to 12th आपको कवर करनी है। ओके, इनको क्या करना है, आपको इसको सिंपली रीड करना है। रीड कैसे करना है, जैसे कि आप स्टोरी पढ़ते हैं, जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी आप किस तरह से पढ़ रहे थे, आप पढ़ते थे नोट्स बनाते थे, लेकिन इसको कैसे पढ़ना है, एक स्टोरी की तरह पढ़ना है, जैसे कि आप एक कहानी पढ़ रहे हो। ओके, जैसे कि आपने एक पीस निकाला, यानी कि लेसन 1 निकाला, लेसन 1 से स्टार्ट किया और आपने उसको एंड कर दिया एक स्टोरी की तरह, यानी कि उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। और अभी मैं इस टॉपिक पे भी आऊँगा कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है। ओके, तो अभी हम अभी बात कर रहे हैं केवल कि इस जो मंथ है इसमें स्ट्रेटजी में आपको क्या क्या मिलेगा। तो नंबर एक आपको जो टास्क है वो मिलता रहेगा, नंबर दो आपको मैपिंग का टास्क मिलेगा। इस मैपिंग को आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन आपको एटलस में ढूंढनी है, इस एटलस में ढूंढने के बाद आपको लोकेट करनी है। ओके, इसमें लोकेट करनी है, जो ब्लैंक मैप होगा उस ब्लैंक मैप पे आपको लोकेट करनी है। उसके बाद जो मैं लोकेशन देता हूँ उन्हें एक पेज पर आप नोट करिए, इस तरह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। ओके, इसके अलावा क्या करना है, आपको टेस्ट देना है डेली 5 बजे, यानी कि 5 बजे आपको ऑनलाइन रहना है, शाम को 5 बजे ग्रुप में
जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डेली टेस्ट होता है, यानी कि एक मंथ तक हिस्ट्री का टेस्ट चला करेगा। ओके, इस हिस्ट्री को आपको टेस्ट देना है, ये अभी वन लाइनर ही क्वेश्चन होंगे, फिर एडवांस लेवल पर हल्के हल्के जाते रहेंगे। ओके, अब देखिए इसमें दो टास्क हैं जो ऐड हो गए हैं, अभी तक आपको ये तीन टास्क पहले ही से मिल रहे थे। ओके, लेकिन अब आपको कुछ एडवांस मिलने रहेगा, जैसे कि आपको रिविज़न करना पड़ेगा। रिविज़न किसका करना पड़ेगा, जो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है वन मंथ का, उसमें मैं डेली बताया करूंगा कि आज आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी का रिविज़न करना है या टास्क नंबर वन का आपको रिविज़न करना है। और दूसरा इसमें क्या ऐड किया, देखिए नंबर एक और नंबर दो, ये दो चीज़ें नई ऐड हुई हैं, यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा टास्क मिलेगा, नई चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें डेली आपको एक एडिटोरियल पढ़ना है। ये एडिटोरियल आपको कहाँ से पढ़ना है, न्यूज़पेपर से, जो मैं ग्रुप में सेंड कर दिया करूँगा। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण का आप एडिटोरियल पढ़िए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए। ओके, तो आपको एक क्या करना है, एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है, मैं आपको दिया करूँगा, कल से आपको ये टास्क मिलने लगेगा। ओके, चलिए हम लोग इसमें, हम लोगों की स्ट्रेटजी है वो आपको समझ में आ गई, यानी कि आपको ये एनसीईआरटी है ये पढ़नी है, इसके अलावा आपको मैपिंग का टास्क करना है, फिर डेली जो टेस्ट होगा उसमें आपको अपेयर होना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, जो रिवीजन है, जो रिवीजन दिया जाएगा उसको, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैंने ये एनसीईआरटी पहले ही लास्ट मंथ में पढ़ ली थी, अब मुझे इसका रिवीजन नहीं करना है, लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, और साथ में जो करंट अफेयर का जो एडिटोरियल दिया जाएगा वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इससे आपका करंट अफेयर भी कंप्लीट होता जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है इसे आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पढ़ने का तरीका अपना होता है। ज्योग्राफी का अपना था जिसमें हम लोग पढ़ते थे, फिर मैपिंग में उसको देखते थे, मैपिंग के बाद उसमें लोकेट करते थे। ओके, तो हिस्ट्री का तरीका कैसे है, तो सबसे पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप हिस्ट्री किस लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि आप यूपीएससी यानी कि जो आईएएस का पेपर होता है उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप स्टेट पीसीएस जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं जैसे वन लाइनर वाले उसके लिए हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ आप हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड किया तभी आप मैं आपको सही गाइड कर पाऊंगा। अगर आप आईएएस के लिए पढ़ना चाहते हैं और पीसीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसका अप्रोच ए है, और वनडे एग्जाम का भी मैं अभी बता दूंगा, पहले आप मैं सबसे पहले आईएएस को कवर करूंगा। ओके, तो आईएएस के लिए आपको कैसे पढ़नी है हिस्ट्री वो कवर करूंगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, अगर आईएएस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बात को विशेष ध्यान रखिए, आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जैसे कि कोई भी हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये वर्ड है, इन्हीं की वर्ड के चारों तरफ हिस्ट्री घूमती हुई दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूँ, भैन मीन्स होता है कब, ओके, हु मीन्स कौन, अभी देखिए मैं आपको ये अप्रोच सिखाऊंगा, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, व्हाट मीन्स क्या, और व्हाई मीन्स क्यों। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले मैं कवर करता हूँ आईएएस के लिए। ओके, अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा इस क्यों पर, यानी कि कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें क्यों लगा दीजिए। अगर आपने क्यों लगा दिया तो समझ लो आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप प्रीलिम्स देना चाहते हैं तो आपको ये थोड़ा फैक्ट भी देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन जैसे कि वन डे एग्जाम देना चाहते हैं तो उसमें ये जो तीन फैक्ट्स हैं आप इधर देख सकते हैं, कब, कौन और कहाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, देखिए इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो बेस्ट तरीका है आपको समझाने का। आप लोगों ने सबने सुना होगा प्लासी के युद्ध के बारे में, ओके, जो प्लासी का युद्ध हुआ ये काफ़ी हिस्ट्री में चर्चित भी रहता है, वो हमेशा आपने सुना भी होगा, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल में लिया है। अगर आप इस प्लासी के युद्ध को पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, अगर आप इसे एसएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो इसमें पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ, जैसे कि 1757 के करीब में ये युद्ध हुआ था, ओके, कब हुआ, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, ये भी किसके लिए आएगा, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, अंग्रेज़ों की तरफ से कौन किया, मुगलों की तरफ से कौन किया, ओके, तो कहाँ हुआ मतलब किस स्थान पर हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गए, जैसे लोअर पीसीएस हो गया या रेलवे का जो हो गया, ओके, जो एसएससी के हो गए उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लेकिन अगर आप आईएएस में आएंगे तो इसमें क्यों पूछा जाता है, यानी कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, ओके, प्लासी के युद्ध से इसमें हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो भारतीय राजनीति है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो भारतीय प्रशासन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, और इसमें जो प्लासी का युद्ध हुआ उसमें मुगलों के पराजय के कारण क्या थे, क्यों थे। तो ये जो क्यों और क्या वर्ड है ये आईएएस में पूछे जाते हैं। ओके, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा
ये वाले तीन कीवर्ड हैं कि व्हेन, हु और वेयर, यानी कि कब, कौन, कहाँ, ये क्या, इसी को बोलते हैं फैक्ट। ओके, तो अगर आप फैक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इधर की, अगर आप IAS और PCS की एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि ये जो प्लासी है उससे आप कैसे देख सकते हैं। ओके, तो आप जैसे भी पढ़ेंगे तो उसमें ये जो की पॉइंट है इनको रख के देखिए। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हमारा जो इतिहास है वो स्टार्टिंग होता है कि मानव एक आदि मानव था। ओके, उस वक्त वो शिकार करता था। अगर वो शिकार करता था तो शिकार के बाद उसे उत्पादन की क्या ज़रूरत पड़ी, मतलब कृषि करने की क्या ज़रूरत पड़ी, कृषि के द्वारा उत्पादन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो क्यों बर्ड है वो IAS के लिए है। ओके, और इसमें अगर कब है, कौन है, तो वो किसके लिए होगा, वो फैक्ट होंगे। फैक्ट किसके लिए होते हैं, जो वन डे एग्ज़ाम के लिए होते हैं। अब देखिए, जो ये शिकारी से उत्पादक क्यों बना, तो इसमें कई सारे कारण होते हैं, कई सारी थ्योरीज दी गई हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन क्यों हुआ और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ओके, तो ये किस लिए, तो ये IAS के क्वेश्चन में आ जाते हैं, यानी क्यों, व्हाट और हु, ये ऐसी चीज़ें आप लगा देंगे तो ये IAS की हो जाती हैं, और जो फैक्चुअल होती हैं वो वन डे एग्ज़ाम के लिए हो जाती हैं। तो आपको क्लियर कट हो गया होगा कि आप किस पेपर के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस पेपर के लिए आप इसको पढ़ना चाहते हैं उसी के लिए आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। ओके, अगर आप प्रीलिम्स देते हैं तो आपके लिए कुछ कब और कौन कहाँ, ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि प्लेसेस, जो प्लासी कहाँ पर हुआ, बक्सर का युद्ध कहाँ पर हुआ, पानीपत का युद्ध कहाँ पर हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी है। ओके, अब देखिए, एक मैं इसमें नया अप्रोच बताता हूँ। जैसे कि जो कहाँ है, ओके, ये कहाँ है, इसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसको आपको मैप के थ्रू प्रिपेयर करना है। ओके, किसके थ्रू, मैप के थ्रू, क्योंकि मैप हम ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर इसका रिवीजन होता रहेगा। इसी तरह आप कहाँ पर है, जैसे कि अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप सुने होंगे, ओके, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये सिविलाइजेशन है कहाँ पर है, सिंधु घाटी के आपको पास में देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तान में और भारत में इसका विस्तार है। ओके, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर है, इसकी कहाँ कहाँ अभी लोकेशन मिली है, कौन सी बड़ी है, तो ऐसी चीज़ें ये वन डे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन जो करंट आता है वो भी इससे रिलेट हो जाता है, मैं करंट को भी इससे रिलेट करके दिखाऊंगा जब हम लोग एडवांस कवर करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिया रखे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो न्यू मेंबर हैं उनके कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि उनके डाउट्स हैं कि हम प्रोग्राम को कैसे कवर करें। जब न्यू मेंबर ज्वाइन होते हैं तो वो लोग जो बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है उसके लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं कि सर ये स्टडी मटेरियल चाहिए हमें, ये स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए नंबर एक। ओके, तो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए पेशेंस रखना है, क्या करना है, मैं अगर वो कहेंगे मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो आप बता दीजिए कि आप न्यू स्टूडेंट है तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट सेंड करूँगा। ओके, नंबर वन, आपको सबसे पहले मैं प्लेलिस्ट सेंड करूँगा, इस प्लेलिस्ट को आपको पूरा वॉच करना है, यानी कि देखना है। और सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, जो भी प्रेजेंट टास्क चल रहा है वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपका जो पीछे का छूट गया उसको भूल जाइए। ओके, वो कैसे कवर करना है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जो भी टास्क चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, और स्टार्टिंग में आपको कुछ डिफिकल्टी आएंगी क्योंकि आप पीछे की चीज़ें नहीं जानते हैं और हमारा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस जब पूरी प्लेलिस्ट आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे वर्क कर रहे हैं और हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ओके, अब इसके अलावा आपको क्या करना है, शाम को नंबर तीन आकर के जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो पुराने हैं उनके लिए यहाँ पर ये वीडियो फिनिश हो जाती है। अब देखिए, नंबर तीन पर उन लोगों के लिए करना है कि शाम को 5 बजे आकर के आपको डेली टेस्ट देना है। ओके, और नंबर चार, आपको क्या करना है, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए, इन डाउट्स को आप लिख लीजिए और बाद में लिख के रखिए, जब भी मैं आपको संडे को पूछूं तो आप सारे डाउट्स जो कॉपी होगी उसका एक फ़ोटो खींच के मुझे सेंड कर दीजिए, फिर संडे को मैं एक वीडियो एक्स्ट्रा बना दिया करूँगा कि सारे डाउट्स सब लोगों की क्लियर कर दिया करूँगा। ओके, और देखिए, जो भी आपका टास्क है, यानी कि आप जैसे कि इस वीडियो को आज से कवर कर रहे हैं, ओके, आज से आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है, अगर आपने आज से प्रोग्राम ज्वाइन किया है यानी कि आपके 30 दिन का टास्क छूट गया है, तो उस 30 दिन के टास्क को आप छोड़ दीजिए, कोई नहीं, आपका जब सेकंड बैच हमारा स्टार्ट होगा उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसके लिए क्या करना है, आपके लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उस फॉर्म का मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उसमें आप एक्स्ट्रा, जब डिस्क्रिप्शन में मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ दूंगा उसमें आप लोग बता दीजिए कि हम न्यू मेंबर हैं और जब भी नया बैच स्टार्ट हो तो हम लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। ओके, तो आप लोगों के लिए टेस्ट कहाँ देना है, न्यू मेंबर है उन लोगों को नहीं पता होगा तो उनके लिए टेस्ट देना है टेलीग्राम में। ओके, आपको टेलीग्राम लोड करनी है, जो लोग टेलीग्राम नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ,
टेलीग्राम एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप ऐप है सेम वैसी ऐप है, और स्टूडेंटों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको सभी तरह का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पर शाम को जो डिस्कशन होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और टेस्ट होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो मैपिंग का टास्क करेंगे वो भी उसमें सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया न्यू मेंबर के लिए, क्या उनके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए। और इसके अलावा एक और डाउट बचा है, जो अभी आज ही मुझसे कुछ देर पहले ही एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमें ओल्ड एनसीईआरटी जो इंडियन हिस्ट्री की है वो कैसे पढ़नी है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, उन्होंने एक बात मेंशन की थी कि मुझे सर ये मेंस के लिए पढ़नी है। ओके, जो इंडियन हिस्ट्री है उन्होंने कहा मुझे ये मेंस के लिए पढ़नी है। तो मेंस के लिए मैं आपके लिए क्लियर बात कर दूं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी ये सफिशियंट नहीं है, इसके अलावा आपको लिए इंडियन हिस्ट्री के लिए और बहुत कुछ भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल एक बुक आती है ये पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ सेपरेट आपको उस चैप्टर हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, और जो ओल्ड एनसीईआरटी ये तो लगभग में आपको पूरी ही पढ़नी है, लेकिन जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसके कुछ आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं। इसी तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस एक बुक आती है, ये भी बिपिन चंद्रा की आती है और बहुत से राइटर्स की आती है, आप किसी की भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं। ओके, इन तीन बुक्स को आपको पढ़ना है। अगर इसके अलावा भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एक स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। सब लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा, जो अय्यर का है। ओके, जो स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के लिए तो कहते हैं रामबाण है, साथ में ये मेंस के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, अब देखिए हम लोग हैं, अब इसको हम कैसे कवर करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर ये देखिए फोटो यहाँ पर दिखाया है, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए चलिए हम बात करते हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी है इसके कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ओके, देखिए मैं आपको कुछ जूम करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर दिया रखा है द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो देखिए इसमें बताया गया जो मुगल एम्पायर है उसके डिक्लाइन के बारे में बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, यानी कि आपको इसको पढ़ना है लेकिन आपको इसके कारण के ऊपर जाना है, यानी कि जो रीज़न क्या था इसका कि मुगल एम्पायर ये कितना बड़ा एम्पायर था वो डिक्लाइन क्यों हो गया, ऐसे क्या कारण थे। तो जो इस पर क्या आपको मेनली फोकस करना है कारण के बारे में, यानी कि इसको आपको रफली रीड करके निकल जाना है, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है। और सेकंड दिया रखा है इंडियन सोसाइटी एंड 18th सेंचुरी में हमारी सोसाइटी थी, हमारा समाज था वो कैसा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये आपको ऐसे में भी काफ़ी हेल्प करेगा, साथ में जो सोशल इशूज़ आप जब पढ़ेंगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। यानी कि जो एनसीईआरटी है केवल ना हिस्ट्री को कवर करती है, साथ में बहुत सारे पोर्शन आपको कवर करती है। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप सोसाइटी की बात करेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ में हमारी जो सोसाइटी है और ऐसे है उसमें भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है। अगर आप सोसाइटी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं उस समय के बारे में, तो आप कंपेयर करना चाहते हैं तो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी के टाइम भी इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, अब देखिए तीसरा इसमें दिया रखा है द बिगनिंग्स ऑफ यूरोपियंस। अब देखिए इसमें जो तीसरा चैप्टर है वो दिया गया है कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने कैसे इंडिया में आकर के सेटलमेंट किया। अब कैसे वो आए, कैसे उन्होंने सेटलमेंट किया, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आपको लोकेशन देख लेनी है और रफली पढ़ के निकल जाना है। लेकिन आपको इतना देखना पड़ेगा कि उनके आने के पहले के पर्पज़ क्या था। ओके, पहले उनका आने का पर्पज़ क्या था, व्यापार करने का पर्पज़ था, लेकिन बाद में वो साम्राज्य विस्तार पर कैसे जाकर के जंप कर दिए। ओके, तो ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिससे मेंस में जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत अच्छे से आप लिख पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बताया गया जो यूरोपियन थे उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी है, आप इसको देख सकते हैं, फोर्थ चैप्टर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने कैसे अपना विजय विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया भारत में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर यहाँ पर 5 बताया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बताया गया जो ब्रिटिश थे उनकी आर्थिक नीतियाँ और सरकारी ढांचा क्या था। इसी से आपको समझ में आएगा कि हमारा जो पॉलिटी है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कैसे विकास हुआ। ओके, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज जो वर्तमान में हमारे जो सरकारी ढांचे हैं वो कुछ इस तरह का ही आपको स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा लगभग में। इसके अलावा जो 6th चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सोशल एंड कल्चर पॉलिसीज़ के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में बताया गया, तो इसमें भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे, जितने ये सारे इंपॉर्टेंट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे सारे चैप्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही मानते हैं कि जो मेंस का पेपर आता है वो मैक्सिमम यहाँ से ही पूछा जाता है, यानी कि ये रिवॉल्ट हुआ था। इसमें कभी कभार ऐसा पूछा जाता है
कि जैसे कि ये जो रिवॉल्ट हुआ था ये क्या स्वतंत्रता संग्राम था या फिर ये सैनिक विद्रोह था, इस तरह से पूछा जाता है। जब आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तब आपको समझ में आएगा अच्छा इसमें क्या है। तो आपका इसमें ओवरव्यू क्या है, यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपका ओवरव्यू क्या है, ये सैनिक विद्रोह था या स्वतंत्रता संग्राम था या क्या था। ओके, इसमें अपना अप्रोच भी देना है। अप्रोच देने के लिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंजेस थे 1858 के बाद में, ये चेंजेस कैसे आए। देखिए, जो हमारा ब्रिटिश ने शासन किया था उसे हम दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। अब यहाँ से जो ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है, ओके, तो 1858 से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए थे, इन चेंजेस को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन चेंजेस को देखने के लिए आपको बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए या इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें बताया गया इंडिया एंड इन्स नाइवर्स, यानी कि इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के नॉर्मली निकल जाइए, लेकिन छोड़िएगा मत। देखिए, जो 11 चैप्टर है, यहाँ पर कुछ चैप्टर बचे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया जो हमारा स्ट्रगल ऑफ स्वराज था ये कैसे चला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चैप्टर हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, और इनको आप, मैंने अभी एक एक्स्ट्रा बुक भी बताई थी आपको, जो फ्रीडम स्ट्रगल है और आफ्टर इंडिपेंडेंस है, तो फ्रीडम स्ट्रगल वाली है वो इसमें कवर हो जाएगी। ओके, ये सारे चैप्टर हैं इसमें कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग पढ़ सकते हैं जो मैंने अभी बताया था एक स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से बहुत चीज़ें समराइज करके दी गई हैं, एक जगह पर दी गई हैं, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो आप लोग एक स्पेक्ट्रम खरीद लीजिए। मैंने जो स्पेक्ट्रम है उसकी एक बुक सेंड भी कर दी है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी डाउट बचता है, अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी जा कर के आप पूछ सकते हैं।